अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हॉट स्टोर पाकिस्तान 2.0। यहाँ आपको मिलती हैं सबसे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशनल न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक नए सफ़र के बारे में। असला सोंडा ने हाल ही में बेनले ईवी लॉन्च किया है और अब यामाहा भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स को पाकिस्तानी मार्केट में लाने का सोच रहा है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़ायदे और होंडा की जानिब से हेल्दी मार्केट कम्पटिशन की अहमियत पर बात करेंगे, जिससे यामाहा भी अब अपने ईवीज को पाकिस्तान में लाने पर सोच रहा है और इस हेल्दी कंपटीशन ने यामाहा को मजबूर किया कि वो भी इस मार्केट के अंदर आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ फ़ायदे समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ होती हैं क्योंकि इनमें कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं होते, जो हवा को साफ और क्लाइमेट चेंज को बचाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। दुनिया भर में सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाले इस रास्ते में ईवीज का एक बहुत ही बड़ा किरदार है। ईवीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि इनमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा भी कम होता है। साथ ही बिजली की कंजम्पशन भी कम होती है जो कि फ्यूल के कंजम्पशन में ज़्यादा फीजेबल है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म में ईवीज ज़्यादा इकोनॉमिकल चॉइस बन जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको काफ़ी अर्से बाद 4 से 5 साल के बाद इनकी बैटरीज बदलनी पड़ती हैं, बट हमें 2-2.5 साल के बाद बाइक का इंजन भी बनाना पड़ता है, तो कॉस्ट प्रिटी मच कम ही रहती है। अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंस्टेंट टॉर्क और स्मूथ एक्सेलरेशन का लेवल ही अलग है। ये ट्रेडिशनल व्हीकल्स के मुकाबले में खामोश और एक ज़्यादा इंजॉयबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में होने वाले एडवांसमेंट्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज भी इम्प्रूव होती जा रही है, जो कि कंज्यूमर के इनिशियल कंसर्न्स को एड्रेस करता है। रिसेंटली हमने एक पेट्रोल और एक रेगुलर इलेक्ट्रिक बाइक की रेस लगा कर देखी और इलेक्ट्रिक बाइक ने हर बार ये रेस जीती। उसकी एक्सेलरेशन, उसकी पावर ऑन टैप और पावर डिलीवरी हमेशा से फ्लॉलेस रही और तीनों रेसेस का विनर ईवी ही रहा। अब चलें बात कर लेते हैं पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आए हुए नए चेंजेस की। असला सोंडा, जो कि मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है बल्कि मार्केट का लीडर है, उसने अपना बेनले ईवी लॉन्च करके एक बहुत ही बोल्ड मूव की है। ये इलेक्ट्रिक बाइक ना सिर्फ ग्लोबल एनवायरमेंटल गोल्स के मुताबिक है बल्कि पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन में एक सब्सटेंशियल चेंज लाने वाला है। असला सोंडा की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में पहले कोई जगह नहीं थी, पहले हर तरफ चाइनीज ईवीज ही थे और कुछ बड़े प्लेयर्स जो थे वो जर्मन ईवीज के साथ खेल रहे थे मार्केट के अंदर। बट असला सोंडा की सेंट्री से जितने जापानीज प्लेयर हैं लाइक होंडा, सुजुकी एंड यामाहा, वो सारे अब ईवीज के बारे में सोच रहे हैं। बेशक एक नीश इंडस्ट्री ही सही, बट ईवीज का भी कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर अब मार्केट के लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होंडा का बेनले भला ही कितना एक्सपेंसिव हो, बट वो एक सर्टेन क्लास को टारगेट करेगा। लाइकवाइज यामाहा, सुजुकी और कावासाकी और दीगर ब्रांडेड कंपनीज के जो ब्रांडेड ईवीज हैं वो भी किसी ना किसी एक स्पेसिफिक क्लास को टारगेट कर रहे होंगे। इस तरीके से मार्केट के अंदर एक बहुत ही हेल्दी किस्म का कंपटीशन बन रहा है, जिसका फ़ायदा ओवरऑल एंड कंज्यूमर को ही होना है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर बात कर ली जाए कि यामाहा का कौन सा ईवी आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो यामाहा 2003 से ईवीज पे काम कर रहा है, अब 2024 चल रहा है और ये अपने ईवीज को बहुत हद तक परफेक्ट कर चुके हैं। होंडा बेनले जिस असूल पे बना है जो कि स्वैपेबल बैटरीज वाला है, यामाहा की ईवीज भी इसी सेम असूल पे काम करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि होंडा बेनले और यामाहा की ईवीज की बैटरीज भी सेम है और आप एक ही स्वैपेबल बैटरी स्टेशन से इनकी बैटरीज आपस में स्वैप भी कर सकते हैं। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर जल्द आएंगे। ये वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। बाय।